सो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही चटपटी सी खबर लेकर आई हूँ, और वो ये है कि आखिरकार रश्मि देसाई ने एक बड़े बयान दिए हैं सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। हो गए ना हैरान कि रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो चलिए आपको बता दूं कि आखिरकार क्या बात हुई है, ये क्या है पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को याद होगा, रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला को हमने दिल से दिल तक टीवी शो में देखा था, उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री को देखी थी। जब से आपको बता दूं कि इन दोनों को एक साथ देखा गया इस टीवी शो में, तब से फैंस इन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद हमने बिग बॉस के घर में इन दोनों को एक साथ देखा, और उनकी वहाँ पर नोक झोंक और खट्टी मीठी जो रिश्ते थे, कभी इनकी फ्रेंडशिप होती थी, कभी इनके दो मिनट में पंगे हो जाते थे, जो हमने ये सभी देखी थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी एंटरटेनिंग था, फैंस को काफ़ी पसंद आता था। और अब आपको बता दूं कि वह रश्मि देसाई ने फिलहाल, जहां बिग बॉस में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी इन दोनों के रिश्ते को लेकर, अब एक बहुत बड़े बयान देती हुई नज़र आ रही हैं रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। बेसिकली रश्मि देसाई नो मी इन 7 मिनट्स एक शो करती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पर उनसे एंकर जो है वो कई सारे सवाल करती हैं। उसमें से एक ये सवाल भी होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने को स्टार्स के साथ, आप अब तक किस को स्टार के साथ अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगी। बेसिकली कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में एक्चुअली रश्मि देसाई को अपने बारे में आप सभी को बताना था। अब ऐसे में रश्मि देसाई ने झट से आंसर दिया। सबसे पहले उन्होंने मोहित मलिक का नाम लिया कि उनके साथ काम करना बेहद ही मुझे पसंद है, और जो दूसरा नाम लेती हैं वो रश्मि देसाई ने लिया है सिद्धार्थ शुक्ला का। उनका कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मेरे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं काम करने के, उनके साथ मेरी केमिस्ट्री और मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहती थी काम के दौरान। मतलब उनका कहना है कि प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरीके से हम दोनों ऑन स्क्रीन नज़र आते थे और हमारा जो काम होता था वो फैंस को काफ़ी पसंद आता था। जाहिर सी बात है, अगर आपको याद होगा दिल से दिल तक में भी इन दोनों के रोमांटिक जेस्चर्स को फैंस काफ़ी पसंद करते थे, यहाँ तक कि बिग बॉस के घर में भी अगर इनकी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी तो उसे भी फैंस देखना काफ़ी पसंद करते थे। और यहाँ तक कि अगर आपको याद होगा वो पूल वाला मोमेंट जब रश्मि और सिद्धार्थ एक साथ रोमांटिक सिजलिंग परफॉर्मेंस दिए थे, तब से वो सबसे हिट एपिसोड था बिग बॉस सीजन 13 का। तो ये सब ही छोटे छोटे प्रूफ ही काफ़ी हैं गाइस कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी फैंस को वाकई काफ़ी पसंद है। और रश्मि देसाई ने भी आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर तारीफें कर दी हैं कि एज अ को स्टार उनके साथ का एक्सपीरियंस काम करने का काफ़ी अच्छा रहा उनकी, क्योंकि ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी दिखती थी। सो गाइज, इस खुशखबरी को सुनकर आप के क्या हैं रिएक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।